नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जातक अपनी राशि कैसे देखें। राशि देखने का दो तरीका होता है। जिन लोगों को अपना नाम, जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का, समय का, स्थान का ज्ञान नहीं होता है, वो लोग जो है नाम के हिसाब से अपनी राशि देखते हैं कि नाम जो बुलाने वाला नाम है या ऐसा कुछ, उसके हिसाब से राशि रख लेते हैं। अब वो उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास डेट ऑफ बर्थ समय नहीं है। घर बैठे ही आप जान लीजिए कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ समय स्थान है तो आप कैसे अपनी राशि देखें। उसका बिल्कुल सरल तरीका मैं बता रहा हूँ कि राशि देखने का तरीका क्या होता है। अब ये आप, ये कुंडली हुई, आप अपने मोबाइल में देखिए या लैपटॉप या पीसी में खोलिए, उसमें कुंडली सॉफ्टवेयर में जाके कुंडली जो है देखिए, उसमें आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा मतलब कि चंद्रमा, ये चंद्रमा देखिए कहाँ बैठा हुआ है। किसी में चंद्र चा लिखा होगा, किसी में चंद्र लिखा होगा, वो आप अपना देख लीजिए कहाँ किस जगह पे बैठा हुआ है। मान ली यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा, या फिर यहाँ बैठा हुआ, या फिर यहाँ बैठा हुआ, हर आदमी की अलग अलग जगहों पे होगा। किसी का कोई फिक्स नहीं रहेगा कि इनका यहीं होगा या इनका यहीं होगा या सबका यहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो कहीं पे भी, ग्रह कहीं पे घूम सकते हैं। अब जिस भाव में चंद्रमा बैठा, मान ली यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 10 नंबर, तो 10 नंबर का मतलब हो गया आपकी जो है मकर राशि होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैं आपको बता दूं कि नंबर का एक नंबर जो है मेष राशि दिखाते हैं, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर आपका मिथुन, 4 नंबर आपका जो है 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। अब ये राशियाँ होगी, 12 राशियाँ होगी। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आपका बैठा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 10 नंबर, तो 10 नंबर पे देखिए मकर, तो मतलब जातक की मकर राशि होगी, जातक की मकर राशि होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 3 नंबर। अब 3 नंबर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो 3 नंबर में मिथुन राशि जातक की होगी, मिथुन राशि। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ लिखा है 7 नंबर, तो 7 नंबर में तुला राशि होगी। कहने का मतलब ये है कि ग्रह कहीं पर बैठ सकते हैं, ग्रह कहीं पर बैठ सकते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है, यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो जातक की 1 नंबर राशि होगी। 1 नंबर का मतलब क्या हुआ, मेष, जातक की मेष राशि होगी। तो ये तरीका आसान तरीका है जिससे आप देख सकते हैं घर बैठे हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी कौन सी राशि है, और राशि के हिसाब से जो है जीवन में आप कार्य करिए। ये तरीका देखने का राशि। एक चीज़ और मैं इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ कि राशि के साथ इष्ट देव कैसे देखे जाएँ, कि हमारे कौन से इष्ट देव हैं, किनकी हमको पूजा करनी चाहिए, उसका तरीका मैं बताता हूँ। इष्ट देव देखने के लिए आपको जो है सभी कुंडलियों में पंचम भाव को देखिए, ये पांचवा भाव। अब पांचवें भाव में अगर 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह, सिंह का मालिक सूर्य। अगर यहाँ 6 नंबर लिखा है, 6 मतलब हो गया आपका कन्या, कन्या का मालिक बुध, मतलब गणेश जी की आप पूजा करिए, आपके इष्ट गणेश जी हैं। 5 नंबर लिखा है, मान लीजिए आपका सूर्य, सूर्य की आराधना करिए, आपके इष्ट जो है सूर्य हैं। अगर 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपके जो है मंगल हैं, मंगल बजरंगबली की आराधना करिए। यहाँ अगर 10 नंबर लिखा है तो आपकी मकर, मकर मतलब शनि, शनि की आराधना करिए। तरीका है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, इष्ट देखने के लिए इस भाव से ही देखा जाएगा कि आपका कौन सा इष्ट है, केवल इस भाव से, और किसी भाव से नहीं देखा जाएगा आपका इष्ट। इष्ट की पूजा करके जहाँ तक जो है जीवन में तरक्की पा सकता है। इष्ट देखना निहायत ही आसान कार्य है, और आसानता मैं बनाने के लिए आपके सामने हूँ कि इष्ट को कैसे देखा जाएगा।